सत्य कोल्ड ड्रिंक लेकर चिपी हूँ। यार पार्टी करने में मजा तो बहुत आता है, जब कोई भिखारी भीख मांगने आता है सारा आनंद खराब कर देता है। हाँ यार मेरी बात एक समझ में नहीं आती, इन गरीबों के पास पैसे नहीं है तो इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं ये लो। गरीबों का नाम लिया और लाड साहब हमारे सामने प्रकट हो गए। साहब कुछ खाने को मिल सकता है क्या? साहब खाने को नहीं है तो पैसे दे दो। मुझे पहले से ही पता था कि तू कुछ खाने के लिए ही मांगेगा। अब मैं क्या करूं? भैया की तबीयत खराब है और टीचर मुझसे ट्यूशन की फीस मांग रहे हैं। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? क्यों रे, ये खाना फ्री में नहीं मिला है जो हम तुझे दे दें। अरे कैसे इंसान हो तुम जो एक भिखारी को खाना नहीं दे सकते हो? कम से कम खाना नहीं दे सकते हो तो इसके साथ जानवर से सुलूक तो मत करो। अच्छा तो क्या इस महाराज की आरती उतारें? और तू कौन होती है हमें रोकने वाली? मैं भला कौन होती हूँ तुम सबको रोकने वाली, मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। अरे यार फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, चलो हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। आज तो मैं लेट हो रहा हूँ, फिर कभी देखूंगा तुम दोनों को। दीदी मुझे बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है? छोटू मेरा एक भाई है जो बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसकी दवाई लाने के लिए बोला है पर मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं यूपीएससी की कोचिंग भी कर रही हूँ जिसकी फीस जमा होनी है पर मेरे लिए उसके लिए भी पैसे नहीं है। अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ और कहाँ से लाऊँ। दीदी आप चिंता मत करो मैं आपको पैसे ला कर दूंगा। अरे तुझे तो खुद दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तू मुझे पैसे देने की बात कर रहा है। दीदी मैं बेशक भिखारी हूँ पर मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं जिससे तुम अपनी फीस जमा कर सकती हो और अपने भाई की दवाई भी ला सकती हो। छोटू तुझसे पैसे लेना ठीक नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ भी बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है छोटे तो तू आज से मेरा ही भाई है, चल तू अब मेरे घर पर ही रहना। अरे दीदी आप आ गई? हाँ भैया, और हम पैसों की व्यवस्था कर लाए और तुम कुछ दिन बाद ठीक हो जाओगे। छोटू तुम कौन हो? भैया ये अमरपाल है, इसके परिवार में कोई नहीं है और मुझे भी आपकी देखभाल करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं इसे ले आई, आज से यही आपकी देखभाल करेगा। उठो भैया दवाई खा लो। अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम जैसे भाई नसीब बारे को मिलते हैं। कोई बात नहीं भैया, जब तक मैं हूँ ना आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। भैया आपकी दवाई खत्म हो गई है, मैं आपकी दवाई ले आऊँ। ठीक है छोटू तू जा। और आप अपना ख्याल रखना। अरे यार सत्या ये तो वही लड़की है ना जो कुछ दिन पहले हमसे झगड़ रही थी। अरे यार इससे काम बनेगा तो मजा ही आ जाएगा। हाँ यार तू ठीक कहता है, आज इससे हम मजे लेते हैं। ए लड़की रुक। ओए छमिया कहाँ से आ रही है? मैं यूपीएससी की कोचिंग से आ रही हूँ और तुम ये अपनी बकवास बंद करो। अरे यार सत्या ये तो बुरा मान गई। ओए हाथ छोड़ो मेरी दीदी का। क्या कहा है दीदी? वाह मैडम क्या दिमाग लगाया है तुमने। तुम लड़की ना पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी हद से गुजर जाती हो। देख मैं तो अभी भी सलाह दे रहा हूँ, तू जिंदगी भर पैसे में खेलना चाहती है तो हमारे धर्मवीर भाई से शादी कर ले। अपनी ये बकवास बंद करो, हमें हराम की कमाई पसंद नहीं है और अपना पैसा अपने पास ही रखो। और एक बात और सुन लो, मेरा ये छोटा भाई है इसे कभी भी अनाथ मत बोलना। इन भिखारियों को भाई बनाना छोड़ दे, किसी दिन ये ऐसा काम करेगा कि तुझे भी अनाथ बना देगा और तू हमारे पास भागी भागी मदद के लिए आएगी। ओए तुम लोग क्या बकवास करते जा रहे हो, हमें जाने दो, चलो दीदी चलते हैं। कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं एक वादे के साथ कह सकता हूँ तुम एक न एक दिन तो मेरी जरूर बनोगी। क्या आपका ही नाम काजल है? हाँ मेरा नाम ही काजल है। देखो सर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है।
तुम्हें पहले 1,00,000 रुपये जमा करने होंगे। ये लो, फिर मैं चलता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं 2,00,000 रुपये कहाँ से लाऊंगी? दीदी आप चिंता मत करो, मैं ला कर दूंगा तुमको 2,00,000 रुपये। छोटू तू कहाँ से ला कर देगा इतने सारे पैसे, और वैसे भी हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। दीदी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल ला कर पैसे दूंगा। लेकिन छोटू तू मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे अपनी प्यारी बहन को IAS बनते हुए देखना है। मेरा भी यही सपना है कि तुम IAS ऑफिसर बनो, चाहे उसके लिए मैं खुद ही गुलाम क्यों न बन जाऊं। मालिक मुझे 2,00,000 रुपये चाहिए। लेकिन तुझे 2,00,000 रुपयों की जरूरत क्यों पड़ेगी? मालिक मेरी दीदी UPSC की कोचिंग कर रही है और उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए 2,00,000 रुपयों की जरूरत है। ठीक है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, पर चुकाएगा कैसे? मालिक जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊँ तब तक मैं आपके होटल पर ही काम करूँगा। चल ठीक है, कल तुझे पैसे मिल जाएंगे, अभी तू जा। एक दिन वो भिखारी तुमको भी बेसहारा बना देगा। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो आकर देख लो। ठीक है मैं अभी आती हूँ। सत्या अब आएगा मजा। मैम साहब ऐसी भी जॉब बेकार है जो भाई की मरने की खबर भी पता नहीं चले। तुम साफ साफ बताओगे कि कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सब पता चल जाएगा, पहले घर जाकर तो देखो। हाँ ठीक है। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, अब तो खुश हो ना तुम? उन लोगों ने ठीक कहा था कि एक दिन ये भिखारी तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगा, और देखो आज वही किया तुमने। दीदी मेरी बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है तेरी बात सुनने में, और हाँ तूने मेरे आज सगे भाई को मार दिया। और हाँ सुन, अब ये घर बचा है इसे बेच कर तो अपना कर्जा उतार देना, कम से कम तेरा एहसान तो उतरेगा मेरे ऊपर से। दीदी मेरी बात तो सुनो। और हाँ आज के बाद मुझे दीदी मत बोलना, अगर तू अपने मुझे दीदी समझता ना तो मेरे साथ ये सब नहीं करता। चलती हूँ मैं। ऐसे भिखारियों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सब मेरी ही गलती थी जो मैंने उस भिखारी को अपना भाई बना लिया। हमने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ तुमने शादी के बारे में कुछ कंफर्म किया कि नहीं? नहीं शादी के बारे में मैंने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। अगर तुम्हारा शादी करने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मैं बता दूंगी जैसा भी होगा। दीदी फिर आ गया तू, अब क्या काम है? देखो आपको सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए तुम गलत समझ रही हो। हाँ तो तुम ही बता दो कि क्या सच है। मैम साहब आपके भाई को ना इसने नहीं इन लोगों ने मारा था। अच्छा क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, देखो। मेरे ही भाई को मेरा दुश्मन बना रहे थे। मैडम सगे भाई से बढ़कर फर्ज निभाया था इसने, आपका सपना पूरा करने के लिए गुलाम बन गया था ये मेरा। मैम साहब आपने ये क्या किया, अपना सपना पूरा करते ही अकेला छोड़ दिया इसे। ऑफिसर लेके चलो इन्हें। मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, अब आज से तू मेरे ही साथ रहेगा। और भाई साहब मैं आपके पैसे आपको भिजवा दूंगी, चलो आओ।